नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुजरात से मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का कड़ी तालुका का राजपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये मिलिया डुबिया खेती का मैंने प्लान किया है। मैंने अभी तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से रिटायर हुआ हूँ, रिटायर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से निवृत्त हुआ हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे पास ज़मीन है, तो हमने ये मिलिया डुबिया खेती का प्लानिंग किया है। सब सर्वे करके हमने ये डिसाइड किया है कि मिलिया डुबिया में हमारा जो रूटीन खेती करते हैं, जो हमारे किसान भाई जो बाजरी और गौ दिवेला इरंडा रायडा वो खेती से हम मिलिया डुबिया खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए हमने हमारा गांव राजपुर तालुका कड़ी में अप्रोक्सीमेटली 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में ये मिलिया डुबिया खेती का हमने प्लानिंग किया है। अभी आप देख रहे हैं कि मिलिया डुबिया में हमने 2 साल पहले हमने पौधे डाले और अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में 600 पौधा ला के हमने डेवलप किया है। ये आप देख रहे थे 2 साल का पेड़ा है, पौधे लगाए डेवलप हुआ है और अच्छे से अच्छे हम उसके बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये 2 पौधे के लाइन के बीच में और भी हम उसके खेती भी कर सकते हैं, दिवेला कर सकते हैं, सब्जी भी बो सकते हैं। हमने अभी ये साल देखते हैं तो हमने ये रिंगण की खेती किया है, काकड़ी की खेती किया है, चौरी गवार की भी खेती किया है। ये इसलिए ये पौधे के साथ साथ हम बाई प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। और हमने सोचा कि ये पौधे का जो वुड है लकड़ा है फर्नीचर के बीच जाता है और आफ्टर 6 ईयर्स और 6-7 साल से बाद में उसका हमको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए मैं ये गुजरात के किसान भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि आपके पास पानी की सगवड़ या थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है तो इस मिलिया डुबिया को आप डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लें। तो सर पहले आप ये बताइए, जो आपने पौधे लगाए थे कौन से साल में लगाए थे? हमने अप्रोक्सीमेटली 2 साल से पहले हमने पौधे लगाए थे, नर्सरी से पौधे लाए थे और 8 फीट बाई 8 फीट का सेंटर रख के हमने 1 बीघे में अप्रोक्सीमेटली 200 पौधे लगाए हैं। तो आपने कौन से महीने में जो ये पौधे लगाए थे, इसके लिए कौन सा बेस्ट महीना रहता है साल में उसमें पौधे रोपण करना चाहिए मिलिया डुबिया? हमारा अनुभव से ऐसा होता है कि मानसून सीजन या चौमासा के जो वर्षा होती है उस सीजन में पौधे लगाना अच्छा रहता है। बाद में विंटर सीजन में भी लगा सकते हैं, पानी की सगबड़ है तो समर सीजन में भी लगा सकते हैं, लेकिन मानसून सीजन इज़ द बेस्ट सीजन, उस टाइम लगाना बेस्ट रहता है। या तो सर इनकी कोई वेराइटी आती है या कुछ बताएंगे, इसका कोई बीज आता है, पौधा आता है क्या? हमने उसका जो सर्च किया है, जब इंक्वायरी किया है तो नर्सरी या जो नर्सरी है वो आनंद या साउथ केरला से वो पौधे आते हैं और अप्रोक्सीमेटली ये प्लास्टिक की जो बैग आती है इसमें 1 फीट से 2 फीट हाइट का पौधा मिलता है और उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ हमको साइट पर मिलती है। उस पौधे को हम प्लानिंग करके अपने ज़मीन में अपना जो ज़मीन है जो इसमें 8 फीट बाई 8 फीट का सेंटर लेके 2 फुट बाई 2 फुट का खड्डा करके इसमें थोड़ा खातर मिला के हमने मानसून में ही बोया है। सर आपने जो फार्म पहले तैयार किया था उसकी जुताई किस तरह से की, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। क्या क्या बताया? खेत की जुताई कैसे की थी सबसे पहले? हाँ, खेत की जुताई में हमने देखा हो, ये पहला हमारा जो ज़मीन था उसका पूरा एक्सकेवेट किया था, एकदम क्लीन किया था और जो ऐसे लेवल करके खड्डे मजदूर के पास सेंटर टू सेंटर लगवाए थे। लेकिन खेतर क्लीन, जितना ज़्यादा क्लीन और इसमें जो अपने बेसिकली अपना जो देसी खातर यानी छानिया खातर बोलते हैं उसका यूज करे तो अच्छा डेवलप होता है। तो आपने जो खड्डे खुदवाए थे पौधों के लिए वो कितने बाई कितने के इसमें खड्डे खुदवाए? हमने अप्रोक्सीमेटली 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का खड्डे खुदवाए थे।
और दूरी बांध के सेंटर लेके उसको खड्डे तैयार करके थोड़ा गैमेक्सिन पाउडर और उधेई की भी थोड़ी ट्रीटमेंट बिफोर पौधे लगाने के पहले किया था। अच्छा, जब आपने पौधे लगाए और खड्डे खोदे उसके बीच में जो अंतराल रहा कितने दिन का रहा? हमने ये पौधे लगाए और खड्डे के बीच में मैक्सिमम 3 डेज का ही वो ड्यूरेशन रखना चाहिए, क्योंकि खड्डे के बाद तरत ही हमने लगवाए थे, 1 दिन के बाद लगाए थे। तो आपने इन पौधों को पानी देने के लिए क्या व्यवस्था की? मानसून में तो पानी की बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने जो विंटर और समर सीजन में हमारा पूरी बोर सिस्टम है, ट्यूबवेल है, वहाँ से हम पानी खेत में जब अब बाजरा और दिवेला बोते इस तरह अच्छे लाइन में उसके ज़मीन में मिट्टी की लाइन करके हमने पानी का व्यवस्था किया है। तो इसके लिए कैसा पानी चाहिए होता है? कैसा, एक तो मीठा पानी चाहिए, खारा पानी चाहिए या नॉर्मल पानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से मीठा पानी अच्छा रहेगा, लेकिन नॉर्मल पानी भी यूज हो सकता है। मीठा पानी हमारे यहाँ तो कोई एक ट्यूबवेल से ही पानी आता है, हमारे ज़मीन में से 400 या 500 फीट से हम सबमर्सिबल पंप से लिफ्ट करके उसको हम देते हैं। तो इसमें पानी कितने कितने दिन के अंतराल में पानी देना होता है? हाँ देखो, मानसून में तो बहुत ज़रूरत पानी नहीं चौमासा की ऋतु में, लेकिन विंटर में हर 15 डेज इंटरवल के बाद और समर में हर 10 डेज इंटरवल के बाद, विंटर सियाड़ा में 15 दिन के बाद और उन्हाड़ा में 10 दिन के बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है मेरे हिसाब से। तो जब आपने पौधे लगाए थे, पौधे किस हाइट में हैं? जो पौधे आपको मिले थे, लेके आए थे, छोटे पौधे कितने फिट के थे? हाँ, हमने जो पौधे जब लाए थे तो 1.5 फुट से मैक्सिमम 2 फुट हाइट के पौधे मिले थे, और 2 साल में हमारा आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 फीट हाइट हो गई है। सर, आपने जो बीच में डिस्टेंस दे रखा है 8x8 का, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं या इसी डिस्टेंस में ही लगाना अनिवार्य है? मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से 8x8 का तो डिस्टेंस रखना ही चाहिए, 8x10 का भी डिस्टेंस चलता है, लेकिन मिनिमम 8x8 से अच्छा रहता है। सर, तो जो बीच में डिस्टेंस है, जो खाली जगह पड़ी है, किसान भाई चाहता है कि ये जगह भी मैं यूज कर लूँ, इसके अंदर दूसरी खेती करना चाहता है, तो इसमें क्या कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किए आपने। ये 8x8 के बीच में हम जो रूटिंग खेती बाय प्रोडक्ट के लिए हम कर सकते हैं, इसमें हम जो धनिया है, मेथी है, प्याज है, लहसुन है, या छोटे रिंगड़े की खेती, ककड़ी की खेती, चौरी की खेती और भिंडे की खेती भी कर सकते हैं। जो ये फसल कर रहे हैं, इस फसल का मिलीडूबिया के पौधों पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता या? नहीं, ये मिलीडूबिया पौधा ऐसा है कि पूरा स्ट्रेट ही जाता है, और इसमें जो जो कटिंग जो उसकी जो ब्रांचेस है थोड़ा कट करना पड़ता है और पूरा स्ट्रेट ही जाता है, ले उसका जो छाया और इसके हिसाब से दूसरी बाई प्रोडक्ट के जो छोटी साइज़ की है उसमें कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। अच्छा, जो फसल अपन इंटरक्रॉपिंग के तौर पर कर रहे हैं वो कितने साल तक कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो 5 साल तो तक हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलीडूबिया पूरा स्ट्रेट ही जाता है और इससे एक पूरा एटमोसफियर, ऑक्सीजन एटमोसफियर क्रिएट रहता है, ऐसा मुझे मालूम रहता है, और अपने रहने के लिए और अपने जो अपने जो फार्म हाउस के उसके लिए भी है बहुत अच्छा। तो सर, ये कितने साल में पौधा तैयार हो जाएगा पूरा? हमने तो पहली बार बोया है, लेकिन ये जब नर्सरी वाले बोलते हैं 6 साल में हो जाएगा, लेकिन 6-7 साल में तो हो जाएगा, ऐसा मुझे एक विश्वास है। अच्छा, तो 6 से लेकर 7 साल में तैयार हो जाएगा। या इसकी लगभग कितनी हाइट हो जाएगी? इसमें 15 से 20 फुट हाइट होगी, और उसका जो ये थड़िया है उसका डायमीटर 1 फीट से 1.5 फुट या 2 फुट तक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने जब पौधे लगाए उसके बाद में इसमें क्या क्या खाद दवाई डाली उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमने जब पौधे लगाए तो हमने जो उसके में जो हमारा एरिया है, जब पेस्टिसाइड या उधेई की ट्रीटमेंट करनी जरूरी है, बाद में हमने थोड़ा गाइडलाइन किया था, और सब डीएपी और छानिया खातर
उसका थोड़ा थड़के आजू बाजू खोद करके लगाए तो बहुत अच्छा डेवलप होता है। साल में सर कितनी बार खाद देना पड़ता है इन पौधों? मेरे हिसाब से साल में 2 बार देसी खाद दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या DAP साल में 3-4 बार आप दे सकते हो। तो सर अब ये 2 साल हो गए, अब ये लगभग 6 से लेकर 7 साल में पौधे तैयार हो जाएंगे। या यहाँ पे जो आपके काम करने के लिए बंदे जो जरूरत होती है लेबर की, इतने कितने लोगों की जरूरत होती है आपके यहाँ इस फार्म में? मेरे हिसाब से कि इसमें तो मिनिमम लेबर ही चाहिए, पानी के लिए चाहिए और एक्सकेवेशन के लिए, यानी हमारे 6 एकड़ की ज़मीन में आए 2 बंदा तो अच्छी तरह से उसका ट्रीट कर सकता है। उनका क्या क्या काम रहता है फार्म पे? फार्म पे या कुछ हमारे यहाँ जो रात में वो क्या बोलते हैं, नील गाय आती है, भूडिया आता है, उसके लिए भी थोड़ा देख रेख रखना पड़ता है। बंदर लोग भी आते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कि बहुत पोचा लकड़ा है, इसमें बंदर बैठता है तो टूट भी जाता है, उसके लिए लुक आफ्टर करने के लिए ये ज़रूरी है। तो इनको पौधों को पशु भी खा जाते हैं क्या? नहीं, पशु नहीं खाता है। हमने देखा तो या कोई गाय भैंस और कोई ऊँट वाला उस पेड़ को पौधे को टच नहीं करता है। तो इस जो फार्म लगा रहे हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री मतलब तारबंदी करने की जरूरत होती है? जो अपने हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी से मिल जाए तो तारबंदी करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो सर एक प्रश्न ये है कि इसमें पानी देने के लिए ड्रिप लगाना अनिवार्य है या नहीं? पानी का जो प्रॉब्लम है, जहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिल सकता है वहाँ पानी की ड्रिप की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा एरिया तो पूरा हमारा पर्सनल ट्यूबवेल है, इसलिए हमने ये ड्रिप की फैसिलिटी नहीं की है। लेकिन जो बीच में कुछ बाय प्रोडक्ट लेने की प्लानिंग करते हैं तो ट्यूबवेल से अच्छा रहता है। सर ये जो मीडिया दुबिया की लकड़ी है ये क्या काम आती है? हमने उसका सर्च किया है और 2-3 जगह से एडवाइस भी लिया है कि इसमें पूरा प्लाईवुड बनता है, फर्नीचर का यूज होता है और सेंटरिंग फैब्रिकेशन यानी इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ होता है, इसलिए हमको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सर आपका 2 साल का सफर है, इसमें आपको क्या क्या परेशानी आई फार्म पे? तो परेशानी में क्या है कि कभी कभी हमारा ये ज़मीन है, ये ज़मीन में थोड़ा उधे का ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हाँ इसलिए हम लोग कभी कभी छोड़ पूरा डेवलप हुआ, बाद में जो छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीड़े आते हैं इससे पूरा सोड सूख जाता है, लेकिन हमने उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये उधे और थोड़ा देख रेख रखना ज़रूरी है। तो दीमक के लिए क्या उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। किसके लिए? दीमक के लिए। दीमक क्या है? दीमक उधे। उधे के लिए हमने वो पेस्टिसाइड का कांटेक्ट किया था, उन्होंने हमने तो यह बोला था कि एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड से हम हर पौधे के आजू बाजू पानी में मिलाकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। और कोई इसमें कोई कीड़ा लगता है या तो दवाई जिसकी दवाई आती है? नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं। इसकी जो लकड़ी होगी जो 7 साल बाद जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो इसका क्या रेट है मार्केट रेट क्या? मार्केट रेट में हमने तो जो सर्च किया है या सब देखा है तो ये वेट पे लेते हैं या गन फुट पे लेते हैं, बराबर वेट में ये 5000 पर टन जैसा मिलता है उसको ऐसा बोलते हैं। 5000 रुपीज़ पर टन। क्या एक पौधे से अपने को कितना वेट मिल जाता है, इसका आइडिया आपके पास? एक पौधे से आई थिंक मैक्सिमम 2 टन्स और मिनिमम 1 टन्स मिल जाएगा। मान के चले तो मिनिमम 1 टन से लेके 2 टन के बीच इसका वेट रहता है। हाँ रहता है, मतलब 5000 से ऊपर ही रेट मिलेगा एक पौधे। हाँ ऐसा है प्लान। तो सर आपका 2 साल का सफर आपका अनुभव रहा, आप किसान भैया को क्या संदेश देना चाहते हो? किसान भैया को ये संदेश देता हूँ कि भाई अपने पास जो ज़मीन है और इसमें जो रूटिंग हम खेत करते हैं, जो रूटिंग गऊ बाजरी सब होते हैं, उसके हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन ये कोई नई
मिलिया डूबिया जैसी खेती हम डालें तो पानी का यूज़ भी कम होता है और हमको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये खेती करना ज़रूरी है। तो सर, जो कोई किसान भाई है जो अंदर दूसरी फसल जैसे कर रहा है, नींबू का, अनार का, अमरूद का बगीचा लगा रखा है, उसके चारों तरफ मेड़ के ऊपर जो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है उसके ऊपर जो ये मिलिया डूबिया पौधा लगाना चाहता है तो क्या लगा सकता है क्या वहाँ पर? हाँ, लगा सकता है। तो उनका क्या डिस्टेंस रहता है उसका? तो कितना एरिया कैसे है, हम तो मिनिमम 8 फुट तो डिस्टेंस रखना चाहिए सेंटर टू सेंटर, 8 फीट का ही डिस्टेंस रखना। या तो अच्छा डेवलप होता है। तो 8 फीट से कम रखने पे क्या प्रॉब्लम आती है? 8 फुट से क्या उसका जो डेवलपमेंट है वो सर थोड़ा कम पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, खूब खूब आभार आपका भी।